तो आइए हम लाह की खेती कैसे की जाती है और कृषि प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं जानने के लिए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। असल में टिकाऊ लाख कहने में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको ज़्यादातर बोला जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि आप खेती करेंगे जो आपका रिसोर्स बेस है, जैसे मिट्टी हुआ, आपका पेड़ पौधा हुआ, इसका ज़्यादा हानि ना पहुँचाते हुए निरंतर आप लाख का खेती कर पाएंगे, ताकि आप किसान को भी निरंतर लाभ भी मिलता रहेगा, पेड़ पौधों भी सुरक्षित रहेगा। इसी को बोलता है टिकाऊ लाख का खेती। तो सबसे पहले हम किसान भाई को बताते हैं कि आपको पेड़ को भी सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, और पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रोसीड्योर अपनाते हैं खेती करने के लिए, वो है प्रूनिंग, पेड़ का प्रूनिंग। पेड़ का प्रूनिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, मोटा मोटा टहनी को बिल्कुल नहीं कटना है, क्योंकि इससे दो तरह का हानि पहुंचता है। एक तो मोटा टहनी कटने से मोटा डाली निकलता है, और मोटा डाली में लाख कभी पैदा होता नहीं। लाख पैदा होने के लिए जो एक्चुअल साइज है, 1 से 2 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का सूट है, उसी में लाख प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसलिए मोटा डाली बिल्कुल नहीं कटना है। दूसरा है कि इनोकुलेशन हम लोग किस रेट से करेंगे। एक कई बार हम किसान को देखे हैं कि कुसुम का पेड़ इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन मात्रा से अधिक इनोकुलेशन कर देने से कुछ ही साल का बाद वो पेड़ खराब हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए इनोकुलेशन का रेट क्या होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसान भाई को हम बता दें, एक पेड़ में एक मीटर डाली के लिए करीब 20 ग्राम बिहन लाख इस रेट से हम लोग इनोकुलेशन करते हैं। और ये एक सिमियालाटा पेड़ में, बेर और कुसुम दोनों पेड़ में ये इसी तरीके से हम लोग करते हैं। और पलास में जो रंगीनी लाख की खेती करते हैं, उसमें हम लोग 2-3 तरीके से हम लोग खेती करते हैं। जैसे आड़ी लाख काटते हैं, आड़ी लाख माने इमैच्योर लाख जो अप्रैल महीने में काटते हैं, उसमें अक्टूबर नवंबर महीने में ज़्यादा मात्रा में इनोकुलेशन किया जाता है। ये करीब 30 ग्राम प्रति मीटर सूट लेंथ का हिसाब से इनोकुलेशन किया जाता है, और एक पेड़ में करीब 700 ग्राम 800 ग्राम इतना करने से भी इतना आ जाता है। तो और इमैच्योर कंडीशन में ही इसको काट लिया जाता है। और फ्लेमिंजिया सिमियालाटा में करीब पहला साल अगर होगा तो 20 से 30 ग्राम, और दूसरा साल ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए कि झाड़ी का मात्रा का अनुसार हम लोग झाड़ी कितना बड़ा हुआ उसके अनुसार हम लोग इनोकुलेशन तय करते हैं। करीब 50 ग्राम से लेकर से के 150 ग्राम तक हम लोग उसमें बिहान लाख इनोकुलेशन करते हैं। मुख्य जो बातें हैं कि एक पेड़ में अगर एक मीटर का अगर टहनी है, तो उसमें सिमियालाटा का केस में 30% ऑफ सूट लेंथ माने 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर इतना तक ही लाख को हम लोग अलाउ करते हैं। इससे ज़्यादा अगर सूट बैठ जाएगा तो वो पेड़ ख़राब हो जाता है। तो ये इनोकुलेशन एक दूसरा चीज़ हो गया। और बेर के लिए भी वही हम पहले बताते थे, 20 ग्राम प्रति मीटर सूट लेंथ का हिसाब से इनोकुलेशन करना चाहिए।